यहाँ तक कल्याण और उल्लासनगर तक भी आवाज आना चाहिए। गुड मॉर्निंग, और एक चांस दे रहा हूँ मैं, आखिरी चांस। गुड मॉर्निंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी अभी वो वीडियो देखा जिसे मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल कौन होता है, प्रोफेशनल कौन होता है, जो चार ई से गुजरता है, जो चार ई से गुजरने का जो है ना ताकत रखता है वो बनता है प्रोफेशनल, राइट। तो प्रोफेशनल बनने के लिए चार ई जो मैं अपने वीडियो देख लिया है, आपको दिखाया भी सर ने, तो चार ई में पहला ई होता है एजुकेशन, जो आपने एजुकेशन कर लिया। आज आप देखोगे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर की डिग्री की पढ़ाई की, डेडिकेटली उसको स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद 3-4 साल प्रैक्टिस किया, तब जाके वो डॉक्टर बना। इंजीनियर 5 साल पढ़ाई की, फिर उसके बाद जहाँ कहीं भी बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे 2-3 साल एज अ असिस्टेंट करके 4-5 साल काम किया, तब जाके वो इंजीनियर बना। लॉयर की डिग्री ली, 5 साल तक पढ़ाई किया उसने, और 5 साल पढ़ाई करने के बाद जो एक बड़ा लॉयर था उसके साथ में वकालत कर करके केस, उसका असिस्टेंट बन के केस का वकालत कर करके असिस्टेंट बन के, राइट, छोटे केस बड़े केस कर करके तब जाके एक लॉयर बना। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बारी है कुछ बनने की। इस दुनिया में हम आए हैं, भगवान ने भेजा है, ऐसे नहीं भेज दिया, ऐसा लात मारा भाग ऐसे जा नीचे, भगवान ने भेजा है, कुछ बात है यार, कुछ तो काम है जो भगवान ने आपको करने के लिए भेजा है, आया समझ में। ऐसे नहीं भेज दिया कि जा भाई बबलू टबलू इना मीना जा नीचे, कुछ तो काम है जो आपको करने हैं, कुछ तो काम है जिसके लिए आपको भेजा है, लेकिन वो आपको अभी तक मालूम नहीं है। मेरे को मालूम है, इसलिए वही काम कर रहा हूँ मैं। मुझे भेजा है लोगों को बनाने के लिए, मुझे भेजा है लोगों को क्रिएट करने के लिए, मुझे भेजा है लोगों के अंदर नई चेतना जगाने के लिए, मुझे भेजा है लोगों को जगाने के लिए। जो लोग सो रहे हैं ना, उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया, उठो सोने वालों, तो मुझे जगाने के लिए आया, मैं बनाने के लिए आया हूँ। कई लोगों को बनाया आपने वीडियो में भी देखा होगा, राइट, दिखने में पतले दुबले दिखते हैं आपको, लेकिन महीने का 24,000, महीने का 28,000, महीने का 32,000 रुपये कमा रहे हैं, महीने का 32,000 रुपये कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो, आप भी अर्निंग कर सकते हो, और हम गारंटी दे रहे हैं। आप स्कूल पढ़ते हो गारंटी मिलता है क्या, नौकरी लगा के देंगे, जॉब लगा के देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। कॉलेज पढ़ो गारंटी कोई देने को तैयार है, हम गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे करते हो, प्लैटिनम स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपने पास है, प्लैटिनम स्कॉलरशिप इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट, प्लैटिनम स्कॉलरशिप इन ग्राफिकल डिज़ाइनिंग, 1 साल का कोर्स है, बहुत बेहतरीन कोर्स है, जिसके अंदर कोर्स के साथ केवल कंप्यूटर ही सीखने को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर के साथ इंटरव्यू ट्रेनिंग, रिज्यूम राइटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ईच एंड एवरीथिंग। एक नया इंसान बन जाओगे, एक नया व्यक्तित्व बन जाओगे, और नया व्यक्तित्व बनने के साथ ही साथ यू विल गेट 100% जॉब। और ऐसा नहीं कि आप पहली बार, आपके पहले बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, और जिसने कर लिया एक बार, फिर उनके थ्रू उनके फ्रेंड्स उसके ये वो, दे ऑल आर ज्वाइनिंग एंड स्टिल वी आर रनिंग वेरी गुड बैच ऑफ जॉब गारंटी प्लान, राइट। तो अभी भी आई हैव अ वेरी वंडरफुल ओपनिंग इन इंडियन नेवी में हमारे पास ओपनिंग है, इनकम टैक्स ऑफिस में हमारे पास ओपनिंग है, राइट, IT कंपनीज में हमारे पास ओपनिंग है, HR रिक्रूटर में अपने पास ओपनिंग है, राइट, पिक्सल्स कंपनी जो होती है ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की, उसमें अपने पास ओपनिंग है, राइट, IT के अकाउंट्स की काफ़ी सारी कंपनी अपने पास वेरी गुड ओपनिंग्स है, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको ऐसा आदमी चाहिए, कैसा जैसा उनको चाहिए, उसको ये आना चाहिए, ऐसा। तो वैसा हम लोग क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग दैट पीपल्स। लेकिन होता क्या है, द प्रॉब्लम इज़ दैट, जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, 10वीं की पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। 10वीं के बाद कितने लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, बराबर है। लेकिन अभी के लोग बहुत जागरूक हो गया, अभी लोगों को मालूम है 10वीं पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, अपन 11वीं भी पढ़ेंगे, 12वीं भी पढ़ेंगे, 13वीं भी पढ़ेंगे, बराबर मालूम हो गया। लेकिन
फिर लोगों को समझ में आया यार खाली पढ़ाई लिखाई करने से, 10वीं और 12वीं करने से काम चलने वाला नहीं है, अब कुछ नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, कुछ करना है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी अगर बच्चा जाता है तो नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलता, बोलता है कंप्यूटर सीख के आओ, कंप्यूटर सीख के आओ, कंप्यूटर सीख के आओ, कंप्यूटर सीख के आओ। और हम लोग भी जाते हैं कंप्यूटर किधर किधर सीख के ज्वाइन कर लेते हैं, सीख लेते हैं, बराबर है। अब होता क्या है, कंप्यूटर ज्वाइन तो कर लिया लेकिन कंप्यूटर में भी स्टेप्स हैं। क्या है स्टेप्स, समझते हो, चढ़ने का स्टेप्स है ना। तो कंप्यूटर में जो बच्चों ने CCA कोर्स कर लिया, CCA कर लिया मतलब क्या कर लिया, अरे 10वीं पास कर लिया। क्या पास कर लिया, अरे 10वीं पास कर लिया, CCA कर लिया। तो अब 10वीं पास कर लिया, अब कई लोग क्या करते, CCA करके छोड़ देते, चलो भाई आपला तो झाला, अपन तो शिकलो, सर्टिफिकेट पण आज भेटता है, आता काय करू, आता करू काम, काम करू, काम भेटेल, काम भेटणार आहे, जॉब भेटणार आहे, पण पगार तेवढी नाही भेटणार ना। CCA करून तुम्हाला असं नाही जॉब नाही भेटेल, CCA मध्ये तुम्ही शिकले आहे बिल कसं तयार करायचे, GST कसं लावायचे, परचेस कसं करायचे, सेल कसं करायचे, कंपनीला रिस्टोर कसं करायचे, एक्सेलमध्ये आपण सर्व काय शिकलो आहे, म्हणजे बरंच चांगलं माहिती घेतलं आपण इकडे, पण त्याच्याने जे आपल्याला पाहिजे पगार, त्या पगारामध्ये होणार नाही, कारण की पुढे लग्न करायचे, घर घ्यायचे, गाडी पाहिजे आपल्याला, आणि काय क्या हो रहा है, पगार, पगार क्या हो रहा है, महंगाई क्या हो रही है, महंगाई रोज 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 मोदी बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, रोज 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 महंगाई बढ़ रही है, भाव बढ़ रहा है, महंगाई रोज बढ़ रही है, महंगाई रोज बढ़ रही है, पगार साल में भी नहीं बढ़ रहा है, पगार साल में भी नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है ना, नॉलेज, नॉलेज इतना वाला है, नॉलेज क्यों, नॉलेज इतना वाला है क्योंकि हमने जो खेती की थी ना, खेती फार्मिंग की थी ना, फार्मिंग, उसमें जो बीज डाले थे ना, बीज, बीज डालेंगे मोगरा, मोगरा का तांदूड, मोगरा का चावल, और अगर फार्मिंग किया उसमें बासमती का चावल लगाया तो क्या होएगा, बासमती का कीमत ज़्यादा मार्केट में, वो भी चावल, ये भी चावल, बराबर है, 20 रुपये किलो वाला भी चावल है, 80 रुपये किलो वाला भी चावल है। एक आदमी महीने का 10,000 रुपया कमाता है, एक आदमी महीने का 10,000 कमाता है, और एक आदमी महीने का 1,20,000 रुपया कमाता है, एक महीने का 1,20,000 कमाता है, जो साल भर में वो कमाता है वो महीने भर में कमाता है। कौन है वो, क्या करता है वो, ऑफिस में जाके क्या करता है, 8 घंटा ये भी काम करता है, 8 घंटा ये भी काम करता है, 8 घंटा मेहनत वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, पर कर क्या रहा है, क्योंकि उसका जो नॉलेज है 10वीं पास वाला नहीं है, उसका नॉलेज किसी का 12वीं पास वाला है। 12वीं बोले तो DCA कोर्स, 12वीं मतलब क्या, DCA, कंप्यूटर का DCA किया मतलब 12वीं झाला, बराबर है। अब कोई 12वीं भी कर ले तो 12वीं वाला हो जाएगा, राइट, 12वीं कर लिया तो 18, 19, 20 तक पहुंच जाओगे पगार के मामले में, राइट। और अगर आपने ADCA कर लिया, एडवांस जो 1 साल का कोर्स है, ADCA कर लिया मतलब आपका ग्रेजुएशन हो गया, यू आर अ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर्स, राइट। लेकिन मैं बोलूँगा ये सब लफड़े में पढ़ो मत, बराबर है, ये DCA करो, ADCA करो, सबसे अच्छा स्कॉलरशिप करो नौकरी की गारंटी के साथ। आज तक कितना क्लास लगाया, कितना ट्यूशन लगाया, बराबर है, पर एक गारंटी वाला प्रोग्राम करो जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है, मालूम ही टेंशन का सवाल ही नहीं उठता है, गारंटी दे रहे हैं भाई हमको एक जिंदा आदमी चाहिए, एक जिंदा आदमी चाहिए हमको, करने वाला आदमी, कि भाई सर मैं हूँ, आप बनाओ मेरे को, बनाओ कुछ नौकरी वोकरी लगा दो मेरे को, एक जिंदा आदमी चाहिए, जो करने वाला आदमी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि आप अगर चाहते हो तो आपके घर वाले नहीं कराएंगे, आप ही नहीं चाहते ना, आप ही नहीं चाहते हैं। मेरे पास कितने लोग आते, सर मैं मेरे बेटे के लिए ना, बेटे के लिए तो कर रहा है, मैं मेरी बेटी के लिए तो काम कर रहा है, अगर ये करना चाहती है तो मैं तो तैयार है, मैं तो रेडी है, मैं तो रेडी है। और रेडी कब बोला उसने, पप्पा ने उसके रेडी कब बोला, जब मैंने बताया इसका फीस 1,20,000 रुपये है, कितना फीस है, वो टाइम पे बोला मैं रेडी है उसके पप्पा ने, पर मैंने पप्पा को बोला 1,20,000 भरना नहीं है, स्कॉलरशिप मिलने वाला है, स्कॉलरशिप मिलेगा और कट के 72,000 में सीखने को मिलेगा, 72,000 में सीखने को मिलेगा, ये मैंने बाद में बताया, कब बताया,
बाद में बताया, लेकिन उसके पहले बना 1,20,000 में कोर्स है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बताया मैंने मालूम है, ये पैसा वापस कैसे आएगा? कोर्स नौकरी की गारंटी है, जॉब की गारंटी है, बच्चा ने एक साल काम किया, कम से कम पगार आप 15 भी पकड़ो, 10 भी पकड़ो, 1,20,000 रुपये आने वाला है, गारंटी, गारंटी है ना। मतलब तुम डाल रहे हो जो पैसा 100% आने वाला है, 100% आने वाला है, गारंटी तो हम दे ही रहे हैं आपको, चाहे तो लिख के भी देंगे, नहीं तो पैसा वापस, बराबर है। बहुत लोगों को बहुत लोग कर रहे हैं, उनके फोटोज़ भी यहाँ पे पैम्पलेट में पड़े रहेंगे, आप लोग देख सकते हो, बराबर है। तो आपके अंदर क्या हो गया, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि यार बनना है मेरे को भी, मुझे भी करना है, मुझे भी जॉब करना है, मुझे भी एक लेवल पे जाना है, राइट। लेकिन आपकी चाहत नहीं रहेगी। आपको याद होगा वो पहला दिन स्कूल का, जब आपके माँ बाप ने आपको स्कूल भेजा था, वाटर बॉटल डाल के, बैग पहना के, नैपकिन लगा के, पहला जो स्कूल था छोटे छोटे गए थे, माँ बाप ने कितने सपने देखे थे, मेरी बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, यार पढ़ लिख के कुछ तो अच्छा करेगी, कहीं तो कुछ अच्छा काम करेगी, और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है ऐसे पेरेंट्स जो आज हमारे इंस्टीट्यूट में जॉब गारंटी का जो ट्रेनिंग है, ये लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ कर रही हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ट्रेनिंग कर रही है जॉब गारंटी वाले, राइट। तो मैंने उसके जो है ना बच्ची के पिताजी को मैंने बोल दिया, भाई आप टेंशन मत लेना इसको ना, दहेज वहेज का भी टेंशन मत लेना, ये इतना कमाएगी अपना, अगर देना भी पड़े तो खुद दे देगी। क्योंकि मुझे एक बच्ची ने बताया कि सर मैंने मेरा जो है ना अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपया जमा कर दिया, और मेरे सोने वोने गहने वहने सब बना डाले, मैंने ट्रेनिंग किया, जॉब लग गया, पैसा आया, और वो पैसा घर पे भी देती थी, उसमें से ही बचाती थी, कमाल की बात है यार, पैसा कमा रही है, घर में भी दे रही है, उसमें से बचा के सोना बना लिया, मेरा कमाल की बात है, राइट। और बोला कि मेरा शादी का सोना पूरा बन गया, अब बताओ बाप को टेंशन, नो टेंशन, सोना बन गया, 1-2 साल और काम कर लिया, 2-3-4 लाख रुपए और आ गया, और क्या मांगता है उसे, बराबर है। तो ये तो बात कर रहा हूँ जॉब गारंटी वाले, लेकिन कई बच्ची ऐसे मिली मुझे जो खड़े करके पूछा, भाई अरे भाई क्या है तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो एक थी जो 10वीं पास थी, बोली सर मैं जो है ना, मेरा एज जो है 25 ईयर है, और मैंने करियर ज्योति एजुकेशन ज्वाइन किया, सीख के बहुत मज़ा आया, लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, इधर आने के बाद एक नया ताकत आया, नया एनर्जी आया। और पहले क्या था ना, पहले मेरे पास जो शादी के रिश्ते आते थे ना, वो पहले ऑटो वाले के आते थे, इसके आते थे, उसके आते थे, लेकिन कंप्यूटर कोर्स कर लिया तो थोड़े रिश्ते भी अच्छे आ रहे हैं, अभी सर्टिफिकेट मिल जाए तो अच्छी जगह शादी भी हो जाएगी। तो कई लोग का होता ना, ये इससे सर्टिफिकेट और इससे ये भी काम हो रहा है, मतलब हाँ ये अपने को मालूम पड़ा, बराबर है। तो कई लोग का ऐसा भी, लेकिन अगर आपने करके अच्छा करके अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल ही में बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ, हमारी अंबरनाथ की जो मैडम है अनीता, उनकी शादी फिक्स हो गई, राइट। पिछले सात सालों से हमारे अंबरनाथ ब्रांच में पूरा ब्रांच संभाल, सब कुछ बहुत अच्छा कर रही थी, और जो भी देखने को आया लड़का वड़का सब पास, क्यों? अरे पूरा ब्रांच संभाल रही है अंबरनाथ का हमारे, यार बात करने में, समझाने में, बताने में नंबर एक, बराबर है ना। इधर बच्चे लोगों को समझा रही है, स्टाफ को समझा रही है, माँ बाप लोगों को समझा रही है, बात करने में एकदम स्मार्ट, फिक्स कोई भी आया। कई तो जब वो FY में थी तभी बोलते फिक्स कर, बोला नहीं अभी नहीं फिक्स करने का है, मेरा रुक नहीं, अभी और भी अच्छे रिश्ते आएंगे, अभी फिक्स मत कर, आने दे। फिर अभी फाइनली हुआ, और कल के दिन उसका हमने विदाई भी कर दिया। विदाई मतलब कि अभी चलो ठीक है, अभी शादी होगी, जाएगी किधर और जाएगी, ठीक है। मैंने तो जा पीछे अपना करियर ज्योति भी आने वाला है डोली में, उधर भी ब्रांच खोलेंगे, उधर भी लोगों को जगाएंगे, तेरे घर के बाजू में एक ब्रांच खोलेंगे हम लोग, आया समझ में। अभी डोंबिवली में अपना नया ब्रांच ओपन हो रहा है, राइट, डोंबिवली पलावा में नया ब्रांच ओपन हो रहा है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, इतना सब ओपन हो रहा है, और मेरी तमन्ना है कि आप लोग भी हमारे संस्था से जुड़ो, आप लोग भी, इतने सारे ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच आप लोग भी हैंडल करो। तो अपने पास उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेज में ओपनिंग है। अभी अंबरनाथ में अनीता मैडम गई, लेकिन जब अनीता मैडम आई थी काई से इतना है, कायम आई थी नहीं, कुछ आता जाता कुछ भी नहीं है, पर धीरे धीरे आज 7 सालों में तो एक कमाल की मैडम बन गई, राइट। सब कुछ ये वो टैली वैली ये वो, बच्चों को पढ़ाना, इंक्वायरी, शी इज़ वेरी स्मार्ट राइट नाउ,
बट शी इज़ लर्न फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल एंड शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो. शी वॉज वेरी वीक डल. शी जस्ट स्कोर्ड इन 10th एग्जाम 45%. लेकिन आज एक कमाल की व्यक्तित्व बन गई उसकी जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग. सो यू आर ऑल्सो able to do that training. We have an number of opening in so many branches. Ambarnath branch mein openings, we have openings of that. You can apply it for and definitely we will give you chance because you are our part of. You are apne bachche log ho tum log. Yaar tum log ko nahi denge to kisko denge? So aap Ambarnath mein apply kar sakte ho, Ullasnagar mein apply kar sakte ho, 3 number mein apply kar sakte ho, Dombivli jaane ka to Dombivli mein bhi apna naya branch open ho raha hai. You are welcome and go and learn and grow yourself, right? So that is a possibility, my dear friends. Only the thing is that, kya aap log tayar ho kya? You should be ready, right? Aap log ko ready hona padega, right? To pehla E humne dekha education, jo aapne liya. Education ke baad, sir ne liya examination. Kya hua? Examination. Kya ho gaya? Examination. And uske baad teesra E aa raha hai abhi. Experience. What? एक्सपीरियंस. अब आपको लेना है एक्सपीरियंस, काम करना है, जॉब करना है, वर्क करना है, जो भी सीखा है एक्स वाई जेड उसका एक्सपीरियंस लेना है काम करके. एंड चौथा ई आएगा आपका जो होता है एथिक्स. एथिक्स मतलब लॉयल, ईमानदार, वफादार, अपने काम के प्रति. डॉक्टर बन गए तो ईमानदार, मस्त इलाज करेगा, पेशेंट को ठीक करेगा, उसका खून चूसेगा नहीं मैं, सो ठीक करेगा, एक ही दो दिन में ठीक कर देगा. नहीं तो कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है राइट, पर वो उसको बोला भाई अच्छा काम कर, बराबर है, चार दिन में ठीक की जगह एक दे दो दिन में ठीक कर दे, बराबर है. तो डॉक्टर सोचते हैं कि दो तीन बार और आवे तो और पैसा आवे. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एथिक्स, एथिक्स मतलब पूरी ईमानदारी, पूरे साफ दिल से. आज करे जो तेज पूरे ईमानदारी से, पूरे साफ दिल से, पूरे बोलते ना एक बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है. इसी तो इतना ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, इसे तो इतना ग्रो हो रहा है, इसे तो हमारे बच्चे आज अच्छे से कंपनी में काम कर रहे हैं. तो इसके पीछे कोई इधर दुकान खोल के नहीं बैठे, इधर कोई हम लोग कोर्स बेचने को नहीं बैठे. इधर वी आर नॉट सेलिंग एनी कोर्स एंड प्रोडक्ट लाइक ओवर हियर. वी आर मेकिंग द स्टूडेंट्स, वी आर क्रिएटिंग द स्टूडेंट्स एंड आवर बेसिक एम इज़ दैट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. रोजगार बनाना है, रोजगार उत्पन्न करना है, दैट इज़ अवर मेन मिशन. और वो मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं और इस मिशन में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं. आप लोग भी जुड़ सकते हो और आप लोग भी जुड़ना है जुड़ सकते हो. तो जुड़ने के बाद आप क्या बनोगे? आप बन जाओगे रोड. हम लोग क्या रोड है, हमारे ऊपर चढ़ के बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं. रोड बन सकते हो या खुद जो हमने रोड बनाया है, रोड बनाया ना, जॉब गारंटी वाला रोड है वो, भागो गारंटी लगा के जॉब मिल जाएगा. या रोड बनना है तो रोड बन जाओ, अलग अलग प्रोग्राम के लिए रोड बनो, बच्चे लोग हम पे चलेंगे और उधर तक पहुँचेंगे. या तो रोड बनो या रोड पे चलो, रोड बनो रोड पे चलो. सो अभी जब भी हम रोड बनाते हैं तो क्या होता है, खर्चा लगता है रोड बनाने में, लगता है ना, डाम्बर लगेगा, उसके ऊपर रोलर आएगा, ये लगेगा, लेबर लगेगा, रोड बनाने में खर्चा लगता है, बराबर है. और रोड पे जो चलता है उसका कोई खर्चा लगता है क्या? नहीं. पर इधर उल्टा है, इधर हम रोड बनाने में खर्चा लगता है और रोड पे चलने वाले, चलने वालों को चार्जेस लगते हैं भाई जो रोड कोर्स करेगा पूरा, बराबर है. और वो भी अगर मैं बात बताऊं, एक साल का जो ट्रेनिंग है, आज हम लोग एक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, एक सिस्टम आप यूज़ करते हो ना, 35 से 40 हज़ार का कंप्यूटर होता है जो आप साल भर यूज़ करते हैं. और उस साल भर एक टीचर आपको रहती है जो पूरा ट्रेनिंग देती है, नौकरी की गारंटी वाला ट्रेनिंग देती है पूरा. और साल भर में आपका कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होता है, इंग्लिश स्पीकिंग होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, राइट. तो ये 72,000 एक नो प्रॉफिट नो लॉस का कंसेप्ट है कि एक यार बच्चे को इस तरह से बना देवे. और उसके बाद जो आपको सैलरी मिलेगी ज़िंदगी भर, उससे पगार मिलने वाला है, राइट. अभी एक बच्चे ने अंबरनाथ ब्रांच में, अभी वो फ़ौरन चला गया, फ़ौरन इधर से सीख के जॉब गारंटी का कोर्स किया, अभी फ़ौरन चला गया, बोला सर मला काय तरी द्यायचे तुम्हाला. मला मला काय देणार, मला काहीच नको बाबा. नाही सर मला, मी आता एवढा शिकलो इकडे आणि शिकून आजा मा मुंबईमध्ये काम केलो, आता मी फॉरेनला गेलो आहे, म्हणजे एवढा काय पैसे कमवतो आहे, फीस फक्त तेवढंच भरली होती 72,000 रुपये, पण इकडे दर महिन्याचा 50-60,000 दर महिन्याचा येतो इकडे, दर महिन्याचा चालू झाला आहे माझा, तर काहीतरी मला द्यायचं. मला काहीच नको सर, द्यायचे बस, तुम्ही बोला काय द्यायचं,
अरे मला मैंने वाला माला काय नको, एक काम कर, इकडे मुलांना शिकायला थोडा त्रास होतो आहे, मुलांना एक मोठा LCD जी असतं ना TV, बघा अंबरनाथ तुम्ही कधी ब्रांच स्टेशनच्या बाजूला आपली ब्रांच आहे, मग त्या मुलांनी एक मोठा स्क्रीन दिला की हां बरोबर आहे सर, मुलं मी पण शिकत होतं तर ते कधी कधी लहान असेल तुमचं बॅच कभी छोटा तो ठीक आहे, लेकिन बडा बॅच हो गया, इधर सब लोग बैठे और एक छोटी इसमें से दिखेगा क्या आप लोगों को, दिसणार नाही, बोला नाही सर हे बरोबर आहे, तो अंबरनाथ में आप देखोगे ना बड़ा जो स्क्रीन लगा हुआ है वो हमारा नहीं है, वो बच्चे ने डोनेट की नया सर आपने ये देव, ठीक है। सो दैट इज, बाकी तो आपको जो आपने एक बार जो भर दिया फिर जिंदगी भर पैसा कमाओगे, दैट इज ऑल आर योर्स, खाली हमारा क्या होगा, गुडविल नाम होगा, नाम कल कभी जाओगे हाँ भाई मी इकडे शिकलो मला लागला जॉब, तू पण कर तेवढंच आपलं तेवढंच गुडविल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ सेशन को मैं कंप्लीट करूँगा, और ये सेशन का पूरा कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूँगा, रिजल्ट सेशन का रिजल्ट यही है कि सबसे पहले हम अलर्ट हो जाए, अलर्ट समझते हो, अलर्ट जैसे मैं अलर्ट हूँ, अलर्ट हो जाए कि नहीं काय तरी करा इसे, कुछ तो करना है, कुछ तो, और ये कौन करने वाला मालूम है, कौन करेगा, जो फील करेगा, क्या फील करेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं एक्सीडेंट में हूँ, आप कहीं जा रहे हो आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ना हो, पर ऐसा समझो, सोचो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं रोड पे बैठा हूँ, ऐसा पैर ऐसा, कोई अपने को पूछ नहीं रहा है, आई एम फील इन एक्सीडेंट, आप बोलो सर ऐसा कैसे सोचे, अरे भाई ऐसा सोचो अभी आप लोग धीरूभाई अंबानी के घर में पैदा हो सकते थे, ना, पर सोचो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ये घर में पैदा हो गया, आप लोग एक राजमहल में पैदा हो सकते थे, राजमहल आपको हो सकता था, नहीं मैं अपना ये चाली में, मैं इधर दूर में ये फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं इट्स माई एक्सीडेंट, आप लोग एक बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकते थे, फील दैट ओ माय गॉड, ये अपना ये मराठी माध्यम कि वहाँ हिंदी मीडियम कि वहाँ नॉर्मल छोटा मोटा इंग्लिश मीडियम में आपन सीखा, एंड स्टिल नाउ आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज़ माई एक्सीडेंट, आई एम इन एक्सीडेंट, मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, और मुझे ये एक्सीडेंट से बाहर निकलना है, अब मुझे इससे बाहर निकलना है, और इसे जब बाहर निकलोगे अब बोलोगे सर अरे भाई धीरूभाई अंबानी पहले बहुत गरीब था मालूम है आपको, आप लोग के साथ ही चाली वाली में रहता था, कोई बड़ा अमीर आदमी बन नहीं गया, पर उस अभी धीरूभाई अंबानी के बापू ने बहुत मेहनत किया तब जाके बड़ा आदमी बना, आया समझ में, तो आज मुकेश अंबानी ने भी बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन कब हुआ ये सब, जब उसके बापू ने हिम्मत दिखाया, हिम्मत, तो आप लोग भी कुछ हिम्मत दिखाओगे, ताकत दिखाओगे, तब जाके क्या होगा, एक नया कार्यक्रम शुरू होगा, नया दौर शुरू होगा, बराबर समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों ने चैलेंज दिखाया नहीं, आप लोगों ने साहस दिखाया नहीं, आप लोगों ने करेज दिखाया नहीं, तो वो नया इतिहास होगा नहीं माय डियर फ्रेंड, इसलिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है आज के प्रोग्राम का माय डियर फ्रेंड, कि हमको अब साहस दिखाना है, हिम्मत दिखाना है, और हिम्मत दिखा के आपको अगर बोलते ना, आज हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो हम अपने पहले पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल चलो ठीक है मेरा CC हो गया, मैं DCA कर सकता, तो DCA आप कर सकते हो, DCA ADCA कर सकते हो, आपको लगता है कि जॉब गारंटी अगर मैं कर सकता हूँ तो करना ही चाहिए, राइट, क्योंकि करेंगे तो ही कुछ होने वाला है, नहीं तो होने वाला नहीं, नहीं तो भटकते रहेंगे ऐसे ही, दो साल घर में बैठ गए तो क्या हो गया, 3 लाख का 4 लाख का नुकसान हो गया, वही तो ये सिक्के किधर काम पे लग जाता था तो हर महीने का इनकम चालू होता था, इनकम आता था, पर सिक्के घर बैठ गया, 1 साल हो गया काही करत नहीं, शिकून झाला, ग्रेजुएशन झाला, सर्टिफिकेट भेटला, घरी बसला है, काही उपयोग नाही, सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट यू शुड टू डिसाइड इट, राइट, तो जो आप कर सकते हो वो आप कर सक, आपको करना चाहिए, राइट, आपको लगता है कि मेरे को काही करज नहीं आता, कराई से मज़ा झाला, CCA केला, तो CCA पे भी मार्केट में निकलो, बराबर, जो मिलेगा ले हो ना भाई, भाई CCA किया है तो CCA के बेस पे काम करो, पर CCA करके घर ही बस ले, गप बस ले नहीं, समझ में आया, तो मेरे को जॉब नहीं लगा था ना, मेरा फर्स्ट था, तो उल्लासनगर में जाके टिकट निकाला, उल्लासनगर टू मुंबई पास, वो टिफिन विफिन लेके बैग वैग लेके निकल जाने का, शाम को 8-9 बजे घर पे आने का,
बराबर है, जॉब लगा नहीं है पर रोज़ दाढ़ी मूछ आया भी नहीं था, तो शेविंग वेविंग रोज करके टिफिन विफिन लेके निकल जाने का, रात को, रात को वापस घर पे आने का, जाने का आने का, घर वालों को लगे भाई बंदा बहुत काम कर रहा है, पर जाके रोज़ जाने का, अलग अलग कंपनी में जाने का, जाने का, जाने का, लेगा क्या, लेगा क्या, रखता है क्या काम पे, रखता है क्या काम पे, करेगा काम, ईमानदारी से करेगा, मेहनत करेगा, तेरे कंपनी को आगे बढ़ाएगा, रख के देख, रख के देख, रख के देख, रख के देख, सबके पास जाने का, और जिसने रखा मस्त काम किया, ब्यूटीफुल काम किया, आज भी अपना नाम है कंपनी में, आज भी अपना नाम है, नाम लिखे लेके ऐसा, ये रिकॉर्ड आज तक किसने नहीं बनाया, और रिकॉर्ड अभी टूटने वाला है, अपने बच्चे लोग ही तोड़ने वाले हैं, मेरे कंपनी में मेरे बच्चे लोग, जिधर मैंने काम किया मेरे बच्चे लोग भी गए उधर, मेरा तोड़ो रिकॉर्ड, मेरा मेरा नाम अभी तक लिखा है, तोड़ो रिकॉर्ड, तो तोड़ेंगे, अपने बच्चे पर विश्वास है मेरे को, मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, तो अपने बच्चे लोग भी आते हैं, उनको भी बोलते हैं ईमानदारी से काम कर, जिधर गया 6 महीना हिलना मत, छोड़ना मत, एब्सेंट मत, ईमानदारी से काम करो, तो ये बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप प्लान करो, अर्जी मेरी है, मर्जी तो आपकी है, बराबर है, तो ये आपको डिसाइड करना है, और आज रात को सोने से पहले डिसाइड करना है, आज रात को सोने से पहले आपने डिसाइड नहीं किया, आज रात को सोने से पहले आपने डिसाइड नहीं किया, सुबह उठने के बाद सब साफ हो जाएगा, जो भी बातें मैंने बताई ना कुछ काम का नहीं, सब वेस्ट है, सब कचरा है, सब कचरा हो जाएगा, कुछ काम का नहीं आने वाला है, आज रात के सोने से पहले अगर आपने डिसाइड नहीं किया, और डिसाइड करके आपने अपने डायरी में लिखा नहीं, सर हम तो डायरी बनाते ही नहीं है, नहीं बनाते तो हम तो बनाते हैं, आप भी बना लो एक बुक, या तो एक बुक में लिख दो कि हाँ ठीक है सर का सेमिनार अटेंड कर डाला है, और आज आज ये इसे ये समझ में आया, ये हम लोग करेंगे फाइनल, फाइनल मतलब इसको फाइनल कर दिया, इधर फाइनल आ गया, दिल धड़कना चालू हो गया, इधर 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 फाइनल किया, ये धड़कना चालू हो गया, पैर भागना चालू हो गया, पैर भागना चालू हो गया, लेकिन नहीं इधर ही फाइनल नहीं हुआ, ये धड़क नहीं रहा है तो ये पैर भी हिल नहीं रहा है, घर में बैठा है, सिर्फ कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, क्या कॉलेज हमने नहीं पढ़ा, हमने भी कॉलेज में पढ़ा, लेकिन कॉलेज के साथ काम भी करते थे, जॉब भी करते थे, बराबर है, FY SY TY काम काम कर कर करके, काम काम कर करके, बराबर है, और जैसे जिस जब ग्रेजुएशन किया तो टीम लीडर बन गए, 12-15 लोग का ऊपर टीम लीडर बन गए, टीम लीडर बन गए, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद लोग काम ढूंढते हैं, कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा, जॉब पे इंटरव्यू आता है, क्या कर सकता है, सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने BCOM किया है, मैंने ये किया है, क्या काम करेगा, सर मैं सब कुछ काम कर लूँगा, आप बताइए, सब कुछ मतलब सब कुछ का, क्या काम करेगा, खुद को नहीं मालूम है BCOM करके क्या करेगा, बराबर है, BSc करके कौन सा काम करेगा ऑफिस में जाके, तो अपने को एक स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, स्पेशल प्रोफेशनल, अगर अकाउंट में जाना है तो प्लेटिनियम स्कॉलरशिप इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट, पूरा अकाउंट में महारत हासिल करनी पड़ेगी, जो 1 साल का ट्रेनिंग है अकाउंटेंट का करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो प्लेटिनियम स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पूरा इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करके, तो एज ए कंप्यूटर इंजीनियर का आपको नौकरी और जॉब इंडियन नेवी में मिलेगा, जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कौन से फील्ड में जाना है, तो इस तरह से आपको रात को सोने से पहले यू हैव टू डिसाइड इट टुडे कि यार मेरे को करना क्या है, राइट, करना क्या है, पेरेंट्स से डिस्कस करो कि पापा CCA तुमने करा दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच, आगे करा सकते हो, नहीं 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 आगे काइस बोल मत, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है आगे मैं अभी काम करता, बस घर पे बैठेगा नहीं, मैं काम करेगा, समझ में आ गया, रिज्यूम विज्यूम बनाया, भाव भगाया, टाइपराइटर के पास इधर सर को बोला, सर रिज्यूम विज्यूम बनाओ फटाफट, सर ने भी थोड़ा बना बना के मस्त प्रिंटआउट लेके मार्केट में कूद जाओ, और ये कुएं से बाहर निकलो, कुआं है ना विट्ठलवाड़ी का कुआं, बाहर निकलो और पूरी दुनिया में जाओ, देखो, सर्च करो, फाइंड आउट करो, जॉब सर्च करो, सर भी आपको बताएंगे किधर किधर ओपनिंग से, जाओ देव इंटरव्यू, जाओ देव इंटरव्यू, जाओ, लेकिन आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और मेरे को बनने का है, या मेरे को करियर जो एजुकेशन के साथ जुड़ना है, तो अपने पास भी इंटर्नशिप है, अपने साथ जुड़ जाओ, लेकिन घर पे बैठ गए, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं, सड़ने वाले हो अभी, सड़ने वाला काम कोई बच्चा नहीं करेगा, जो भी करना है एकदम क्लियर रखो, अपने माइंड को क्लियर रखो, कन्फ्यूजन मत दो माइंड को, इसलिए घर जाके सभी लोग क्लियर करो क्या करने वाले हैं, और नेक्स्ट डे कल के दिन सब लोग को आना है, सर को क्लियर करना है कि सर आई डिसाइडेड आई कंप्लीट माई CCA कोर्स एंड नाउ आई हैव टू डू अ जॉब, सर आई कंप्लीटेड CCA कोर्स नाउ आई हैव टू डू DCA कोर्स, DCA कोर्स मुझे करना है, या मेरे को जॉब गारंटी वाला कोर्स करना है, मेरा आप भी लो एडमिशन लो, और मम्मी पापा को जो भी है सब बातचीत कर लो, मुझे ये करना है,
तो जाके क्लियर करके कंफर्म करो और स्टार्ट करो। सर मैं तो FY में हूँ, मैं तो SY, सर मैं तो अभी जो है ना, मेरा तो अभी मैं 12th में हूँ, अभी मेरा तो 18 साल भी हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अरे 18 साल पूरा नहीं हुआ है तो करियर ज्योति में इंटर्नशिप करना भाई, घर पे मत बैठ। लेकिन सर मैं अभी 12वीं में हूँ, FY में जाऊँ या FY में हूँ, तो FY में है तो 12वीं पढ़, 2-4 घंटा 5 घंटा इधर आ, इंटर्नशिप कर, 4-5 घंटा आ यहाँ पे, 5-6 घंटा इंटर्नशिप कर। इंटर्नशिप में ऑफिस का काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, इधर बच्चे लोगों को कुछ जो टैली में कुछ डाउट्स आ रहा है, परचेस उसका निकल नहीं रहा है, तो उस चीज़ में बार बार करते एक्सपर्टिज्म आने वाला है। लेकिन घर पे बैठ गए तो रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ना चालू हो जाएगा। बराबर है, आया समझ में? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये डिसाइड करो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज घर पे जाके आप शांत से सब सो गए, देखा अपने आप को, देखा और डिसाइड कर डाला। और ज़िंदगी में आगे वही बढ़ता है जो डिसाइड करता है कि मैं क्या इधर ही ऐसे ही खड़ा हूँ या इधर ऐसे ही आ गया मैं, नहीं, आई डिसाइडेड, आज मैं डिसाइड किया आज मुझे इधर आना है, आज मुझे आना है, नहीं तो कभी आता हूँ ना वहाँ से निकल जाता हूँ कुछ आम रहा है, दो मिनट हाँ भाई इधर इधर से नहीं, इधर इधर से घूमता भी नहीं, कभी जरूरत रहेगा तो ही आता हूँ, क्योंकि डिसाइड जब तक हम करेंगे पहुँचेंगे नहीं, तो आज संडे का टाइम है, संडे का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। बराबर है, कल मेरा SBI में प्रोग्राम था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोग्राम था, उसके पहले मेरा GCB में प्रोग्राम था। सारे प्रोग्राम जो हम करते हैं वो पेड प्रोग्राम होते हैं, पैसे वाले प्रोग्राम होते हैं, समझ में आ रहा है? बिना पैसे के मैं बोलता नहीं है, पर अपने क्लास में तो फ्री में करना है ना, अपने को थोड़ी पैसा लेने का, ये फ्री प्रोग्राम है राइट। और इसमें कोई हमारा PPT कुछ नहीं होता, हमारा PPT होता है, ये टॉपिक, इधर तो तुम्हारे दिल से बात कर रहे, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे तुम्हारा आगे करियर फ्यूचर होने वाला है, उसके लिए बात कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करूँगा और सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। तो आप लोगों को आपका लक्ष्य डिसाइड करना है, आपका गोल डिसाइड करना है। जैसे मैंने आज गोल बनाया यहाँ पे आने का, तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने लक्ष्य बनाया आपके यहाँ पे आज आना है, तो आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ऐसे आज आप लक्ष्य बनाओगे कि मुझे टाइटेनियम स्कॉलरशिप इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, जॉब गारंटी का प्रोग्राम करना है, या मुझे नौकरी करना है, जॉब करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, आज आप ये लक्ष्य बनाओगे तो कल वहाँ पहुँचोगे। सभी लोग अपना हाथ आगे करेंगे और आप लोगों के हाथों की लकीरों को देखेंगे, आप लोगों की हाथों की लकीरें मैं बदलने वाला हूँ अभी। सभी लोग अच्छी तरह अपने हाथों की लकीरों को देखो, पूरा ध्यान अपने हाथों की लकीरों पर। सभी लोगों को अपने हाथों की लकीरें दिख रही है? सभी लोगों को क्या दिख रहा है? हाथों की लकीरें दिख रही है? ठीक है, अभी हाथ ऐसे ही रखना, अभी सभी लोग मुझे देखेंगे। अब क्या दिख रहा है? अब मैं दिख रहा हूँ, अब हाथ की लकीरें दिख रही है? अब हाथ की लकीरें नहीं दिख रही, अब मैं दिख रहा हूँ, फिर से देखो हाथों की लकीरों को। अब क्या दिख रहा है? हाथ की लकीरें दिख रही है? अब मैं दिख रहा हूँ नहीं, अब हाथों की लकीरें दिख रही है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे है? हाथ की लकीरों पे है। अब फिर से मुझे देखो, अब क्या दिख रहा है? अब मैं दिख रहा हूँ, अब हाथ की लकीरें दिख रही है? नहीं, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे है? मेरी तरफ है, हाथ नीचे। माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ द लेसन। द लेसन इज दैट व्हेन वी फोकस ऑन अ गोल, जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होता है, जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ होता है, तो प्रॉब्लम नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? प्रॉब्लम नहीं दिखता। लेकिन जब हमारा ध्यान प्रॉब्लम की तरफ होता है तो क्या नहीं दिखता? लक्ष्य नहीं दिखता। When we focus on a goal, we lose the problem. But when we focus on a problem, नहीं होनार, नहीं कर सकता मैं, ये तो कर ही नहीं सकता, मैं तो सीख ही नहीं सकता, मैं नहीं हो सकता है, मैं तो जॉब कर ही नहीं सकता है, मेरे से होने वाला नहीं है। When we focus on a problem, we lose the goal. वो दूर जा रहा है. So my dear friend, it's very much important that we can focus on our goal.
फोकस ऑन आवर गोल। सो आज आप लोगों को डिसाइड करना है और सर से बात करके, कल के दिन सर कभी मिलेंगे आके, क्योंकि सर जो होते हैं ना वो हमारे टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, हमारे आगे मार्गदर्शक होते हैं, उनको आके आप अपना जो है ना दिल की बात बताओ कि सर मेरे को ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है और ऐसा ऐसा अपने को करने का है। फिर आगे सर जो है कार्यक्रम करेंगे, जो भी करना है आगे, जॉब का तो रिज्यूम बनाएंगे, बोलेंगे इधर जा उधर जा उधर जा, तुम लोग भी सर्च करो, गूगल करो या कुछ और कुछ कर सकते हो करो, लेकिन रुकना नहीं। रुकेंगे तो करियर ज्योति के बच्चे कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो यही आशा है आप लोगों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले आप सभी लोगों से एक बात कहूँगा, सब लोग मेरे पीछे बोलना, जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाज़ों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले, तूफानों से टक्कर ले उसे करियर ज्योति का जवान कहते हैं। तो आप करियर ज्योति के जवान हो और आपको कोई बंदूक लेके लड़ने नहीं जाना है, लेकिन आपको ये लड़ना है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे या नया कोर्स के बारे में सोचोगे आपको डर लगेगा, घबराहट लगेगा, लेकिन जो डर में रहेगा और वो डिसाइड करेगा और करेगा तो वो जवान है, बराबर है, नहीं तो वो जवान नहीं है। आप करियर ज्योति के जवान हो तो आप लोग ये डिसाइड करो। और अभी हम लोग सर्टिफिकेशन देने का प्रोग्राम शुरू करेंगे, 100% वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट जो है मधुरा, मधुरा 86%, कॉन्ग्रेचुलेशन मधुरा मैडम, थैंक यू। तो आप सबको सेशन कैसा लगा, आप जो है अपने व्यू दे सकते हो, सबका सेशन कैसा लगा, आपको क्या सीखने मिला, कोई इतना व्यू देना चाहेगा, खराब होगा पहली बार कुछ एक्चुअल में होता क्या माय डियर फ्रेंड्स, कोई अपने को बोलता ना कुछ बोलने के लिए, वैसा मैं भी था, तुमको कोई नया बात नहीं, आज तो हम लोग पैसा लेते बोलने का, लेकिन इस टाइम पे ऐसा था टीचर हमको खड़ा कर दिया, बोलो कुछ लेकिन जब हमने करे जो एजुकेशन ज्वाइन किया, अपने डोंगली में ब्रांच था करे एजुकेशन का, डोंगली वेस्ट वहाँ पे करे का ब्रांच था, जहाँ पे मैंने सीखा, जब सीखा तो उधर सब समझ में आया, कॉन्फिडेंस सब बात समझ में आ गई, और एक प्रोग्राम अपने को समझ में आ गई थी यार, नहीं बड़े अंदर से कितना डरते रहे ना, बाहर फुल कॉन्फिडेंस दिखाने का, बाहर फुल कॉन्फिडेंस दिखाने का समझ में आ गया, बोले अंदर से कितना भी डर लग रहा है लेकिन बाहर दिखाने का नहीं, क्योंकि सामने वाला तुम्हारा डर देख के प्रभावित होने वाला है, सामने वाला तुम्हारा डर देख के इम्प्रेस होने वाला नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के इम्प्रेस होने वाला, आया समझ में आ गया, चलो बोलो अभी। तो एनीवन या अपना व्यू आज का सेशन, सबको वन वन ले लो, एनीवन के अच्छे कितने लोग ही है अपने पास, ओके सबको ले लो बड़ा या आ जाओ फुल कॉन्फिडेंस दिखाने का, अभी पहले यज्ञेशा कि आप जो है यहाँ पर कम फास्ट सर, मैं चलता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया जो है सेशन जो है आपके जो है सामने जो है प्रेजेंट किया, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इनके द्वारा बताए गए जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो रोड इन्होंने दिखाया है, तो आप उस रोड को आप बनना चाहते हो रोड, या रोड के ऊपर चलना चाहते हो, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप डिसाइड करोगे, और डिसाइड करने के बाद आप क्या करना है, जॉब करना है या फिर आपको आगे कोई जो है, आपको जैसे सर ने बताया प्लेटिनियम जो है जॉब गारंटी कोर्स करना है, DCA करना है, या जो भी आपको करना है तो आप मुझे जो है बताइए उसको, आगे क्या रहेगा, कैसे करना रहेगा, मैं आगे आपको जो है मैं गाइड करूँगा मैं, राइट। तो एक बार फिर आप सभी को जो है तालियों के जो है आवाज़ से मैं सर का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना जो है प्रीशियस अपना टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम आज जो है दिया है। मैं कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आइए, तो फाइनली जो है मैंने संडे को डिसाइड किया कि संडे आप आइए, ठीक है, लेकिन इनको भी और भी जगह जाना है,
तो नहीं तो और भी जो है, और हमारे पास बहुत सारे बच्चों का प्लानिंग था कि बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, लेकिन कुछ चुनिंदे ही बच्चे आए हैं, और इसलिए मैंने सेशन भी रखा मैंने संडे को, ताकि सभी बच्चे आ सके, राइट। तो एक बार फिर अगेन मैं सर का जो है धन्यवाद कहता हूँ, और इन्होंने जो है अपना इतना इम्पोर्टेंट समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे और यहाँ पे अपने आप को वेलडन करेंगे, शाबाशी देंगे अपने आप को कि हम आज आ गए। तो हाथ नीचे। तो रोज़ सुबह उठ के मैं भी अपने आप को ऐसा करता हूँ, वेलडन सचिंद्र, यू आर द नंबर वन। तो नंबर वन है यार, तेरे सर टीचर दुनिया में कोई नहीं। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, तो आप मोटिवेट रहोगे। तो आप क्या करोगे, तो रोज़ सुबह उठता हूँ मैं ऐसा करता हूँ वेलडन, अभी जाऊँगा रात को कल सुबह। सचिंद्र तुम्हारा विठलगढ़ी का प्रोग्राम क्या प्रोग्राम था, नंबर वन, यू आर द ग्रेट। भले आप लोग बोले बोलो नहीं बोलो, पर मैं खुद को अपने आप को बोलूँगा, अप्रिशिएट करता हूँ मैं। और आप लोग भी अपने घर में अपने आप को अप्रिशिएट करो, राइट। और एक बार जोरदार आप सभी के लिए, मैडम के लिए और सर के लिए जोरदार तालियां, खुद के लिए जोरदार जोरदार। तो आप लोग ने खुद को भी अप्रिशिएट कर लिया कि आज आप लोग यहाँ पे आ गए, पार्टिसिपेट हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर का, थैंक यू मैडम का, पूरा गरेजती एजुकेशन टीम का, और आप सभी बच्चों का। बहुत आप यकीन नहीं करोगे, हम अपने सारे बच्चों को इतना मिस करते, इतना मिस करते। हमारे कितने जूनियर बच्चे, 14, 15, 16, 17, 18 के, बराबर। तो पहले के टाइम पे क्या था कि हम लोग का जो है ना गरेजती एजुकेशन का, सर गली गली में पोस्टर्स बैनर सब देखा हम आपको, इतना क्लास का नाम होता है, बैनर लगता है। लेकिन अभी वो सब बंद कर दिया, क्योंकि वैसे ही बच्चे इतने आ जाते हैं जिसको जॉब लग गया, नौकरी लग गया, आ जाते हैं। और सेकेंड चीज़, हम मैं क्या करता हूँ, रोज़ शाम को 2 से 3 घंटा ऐसा एरिया में ऐसा घूमता हूँ, ओ करेजी के सरदार, ओ करेजी के सरदार, ओ करेजी के सरदार है। और इतने सारे बच्चे ट्रेन आउट हो चुके हैं, सारे बच्चे ट्रेन आउट हो गए, और इतने जूनियर बच्चे हैं ना, इतने जूनियर बच्चे हैं ना। और ज़्यादा करके अक्सर मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन एक बच्चे के घर पर पहुँच जाते हैं, और कोई तो पकड़ के इधर इतने सारे बच्चे अपने ट्रेन आउट हो चुके हैं, और इतने सारे जूनियर बच्चे हैं ना, कई बार आते हैं, कितने बच्चे हैं अभी, कौन कब आता है, कोई ना कोई डेली कोई ना कोई ऑफिस में आता तो आता ही है शाम को। उनको मालूम है शाम का मेरा 2-3 घंटा फिक्स ऑफिस में बैठना है, दो टाइम बच्चे आते हैं, सर कैसा है, आए बारे खूब दिवस आ रहे हैं, हमसे भी बैच होती ते मुला ती का करता है, ते का तो तिकडे कामाला लागतो, तिकडे कामाला लागतो, तिकडे कामाला लागतो, जैसा करतो। इस इलेक्शन में बच्चे भी आते, बहुत अच्छा लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ये आप लोगों का एक यादगार मेमोरी है, जो बच्चे आज जा रहे हैं, मेरे क्या एक मेमोरी है, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था जो ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो एक मेमोरी रहेगी हमारे लिए, बहुत अच्छा मेमोरी होता है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, राइट। तो इसी तरह आप लोग भी जब कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी आते रहो क्लास, आप लोगों का आते रहो, विजिट में आते रहो, मिलते रहो सर से, राइट। सर आपको ग्रीन कार्ड वगैरह देंगे, उसका भी यूज़ करो, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को रेफर करते हो, आपको बैग्स है, पिकनिक फ्री है, ये 17-18 तारीख को पिकनिक भी जा रहे हैं, रिसॉर्ट में पिकनिक जा रहे हैं हम लोग, सर आपको कन्फर्म करेंगे पिकनिक वगैरह है। तो तीन एडमिशन अगर आपके थ्रू होता है तो पिकनिक फ्री है, वहाँ बेनिफिट ले सकते हो, 4 रेफरेंस आपके ऊपर, तो एक नया कोर्स आप फ्री कर सकते हो, आपके घर में भाई बहन है, आपने 4 किसी को रेफर किया, अपने भाई बहन को भी फ्री में सिखा सकते हो, तो सारा बेनिफिट्स आते हैं, सो कैन यूज़ दैट बेनिफिट, राइट। और सब बच्चे लोगों को ग्रीन कार्ड भी दे देना, ग्रीन कार्ड सब बच्चे लोग ग्रीन कार्ड भी ले लो, उसमें दिया बेनिफिट्स, और एक ग्रीन कार्ड से आपको स्टार्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, या वेट वेट, थैंक यू सर। कर गए हैं, हाँ, कौन बोलना चाहेगा, बोलो सही, बोल आपको, तो आपको जरूर बोलने का, साजन कम कम कम, साजन सर जाने का, अरे कुछ तो बोल कि मेरा नाम साजन है, आज मैंने CCA कोर्स किया था, मेरा कोर्स पूरा हो गया, ये सीखा है, इतना तो बोल ही सकता है। क्या बोलूँ सर, अभी तो बताया मैंने जस्ट कि मेरा नाम साजन है, मैंने यहाँ पे CCA कोर्स किया था, CCA कोर्स ये सब कोर्स सीखा है, ठीक है, और मेरे जो है 6 स्कोर भी था, मैं सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर का, इंस्टीट्यूट का, जो अच्छा बस। मेरा नाम सांजन है, मैंने आज CCA का सर्टिफिकेट लिया,
अच्छे मार्क्स से पास हुआ और सर को और इंस्टीट्यूट को धन्यवाद कहता हूँ। चलो सर यज्ञेशा कब आइए, दो वर्ड आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे आप? हाँ सासू माओ क्या बोलोगे आप फिर? आइए आइए चलो। माझं नाव मधुरा मोहिते माझं ग्रॅज्युएशन झालं आहे। मी 7-8 वर्ष घरातच होते आणि नंतर मी इकडे ॲडमिशन घेतलं तर CCAसाठी आणि ते शिकल्यानंतर मला बरंच काही शिकायला भेटलं आणि मला आज त्याचं सर्टिफिकेट भेटलं त्यासाठी थँक्यू सर। 82 86 जो है इन्होंने इस CCC के एग्ज़ाम को, CCC मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, MSCIT महाराष्ट्र गवर्नमेंट होता है और CCC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है और काफ़ी ये टफ होता है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद, एग्ज़ाम पेपर आने के बाद ऐसा लगता है कि जितनी भी तैयारी की थी सब ज़ीरो है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो है एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा रिजल्ट जो है इनको मिला है, उसके लिए इन दोनों को बधाई। क्लैप एंड हैंड जो है छाया और मनीषा, या आपका दो व्यू, अपने क्या इसका एक्सपीरियंस था? मेरा नाम मनीषा मीना है। मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला कि मुझे कंप्यूटर क्लास लगाना चाहिए, फिर मैंने छाया से एडवाइस ली, फिर छाया ने बताया कि मैं एक क्लास में जाती हूँ वहाँ तू सर से मिल के देख, बात करके देख। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि CCC बेनिफिट दे रहा है बहुत सारा तो मुझे करना चाहिए, पेरेंट्स भी मान गए। फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया अपना, फिर मैंने 2-3 मंथ्स अपना कोर्स स्टार्ट किया एंड फिर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी यही किए। रोज़ हम आते थे और 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, फिर आंसर देख के हंसी आती थी, कभी ज़्यादा आंसर कभी ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ जाता था और कभी लो, तो हमारा कॉन्फिडेंस उससे इंक्रीज़ हुआ। एंड फाइनली जब एग्ज़ाम का डेट आया तो बहुत टेंशन था, कैसे करेंगे हम लोग, क्या होगा। फाइनली हम वहाँ पहुँचे, फिर जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमने देखा तो हमको लगा कितना हार्ड है एग्ज़ाम, जैसे भी हम लोगों ने ट्राई किया एंड हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फिर हमको उसमें रिजल्ट आया तो सी ग्रेड मिला। दैट्स ऑल। चलिए थैंक यू मनीषा। ये अच्छा या गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम छाया है। मैंने मीन्स कॉलिंग इस इंस्टीट्यूट से कॉल आया था तो इसलिए मैंने ज्वाइन हुई हूँ। मैंने CCC का एग्ज़ाम दिया है, सर बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट किया सर ने, पूरा एग्ज़ाम टेस्ट लिया, डेली टेस्ट लेते थे 100-100 मार्क्स का, तो उनके थ्रू हमने मीन्स पास किया, मुझे सी ग्रेड आया है। और आज का जो सेमिनार था मुझे बहुत पसंद आया, जो सर ने बताया, मोटिवेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। या थैंक यू छाया। और कोई कुछ बोलना चाहते हो आप में से? या कम इसको बोलते हैं, अब नहीं बोलोगे, ये एक प्लेटफॉर्म है बोलने का, यहीं से हम लोग सीखते हैं कि बोलना कैसे है। मराठी में मी इथे माझे फ्रेंड्स आहे, इथे म्हणजे या क्लासमध्ये फ्रेंड्स होते त्यांच्या थ्रू मी इथे आली आहे। मग पहिले लॉकडाऊनमध्ये 2 वर्ष मी घरी बसलेली, म्हणजे 12वी झाली माझी, परत मी बोलली काय करते मी, काय नाही करत होते घरी बसलेली, लॉकडाऊन ओपन झाला तरी पण घरीच आहे मी बोलली, म्हणजे कामाला जाऊ काहीतरी करू, कामाला जाऊन बोलले 12वी पास आहे काय नाही होणार, परत मी बोलले की कम्प्युटर बिंटू जॉईन करते, कम्प्युटरचा कोर्स करून काहीतरी करते, कामाला तरी जायचं आहे, घरच्यांना सपोर्ट तरी करायचंच आहे, म्हणून मी बोलली करिअर ज्योतीला जॉईन करते, त्याच्यामधून काहीतरी मला इन्स्पिरेशन। अजून आज सर आलेले, खूप काही शिकवले, माझ्या दिमागात गंज भरलेले, आता थोडं गंज उभरायला आलं आहे, अजून बोलते दिमागात एक किडं उभरून आले की काहीतरी करायचं आहे, आता उठले ते काहीतरी करायचं आहे। थँक्यू सो मच सरांना पण, त्या सरांना पण।
थैंक यू दुर्गा या गायत्री दुर्गा अच्छा अच्छा दुर्गा या थैंक यू। तो इस तरह जो है सेमिनार, इस तरह जो है मोटिवेशनल, ये जो है हमारे इंस्टीट्यूट में जो है होते रहते हैं, ताकि कैसा होता है कि जैसे हम सो जाते हैं तो जगाने वाला कोई चाहिए होता है, तो हम तो स्वयं नहीं उठते हैं, तो एक जगाने वाले हम मोबाइल को रख देते हैं, बेटा तू उठा मुझे, राइट। या घर वाले हमें जगाते हैं और घर वाले जगाते जगाते हमें स्कूल कॉलेज सब हमारा करवा देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको स्वयं और खुद जागना है, और अब नहीं जागे फिर आने वाले समय में आप नहीं जाग सकते, क्योंकि यही एक समय है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। बाद में ये समय चला गया जब आपके ऊपर बहुत सारे बोझ आने लगेंगे, उस समय फिर आप ये सब चीज़ नहीं कर पाओगे। और लास्ट जो है मैं अंतिम चीज़ बोलूँगा कि आपके अंदर जो थोड़ी सी डर है उसे बाहर निकाल सको, ये आपको हमेशा दबोच के बैठा के रखेगा, कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और जब भी आप कहीं पर जॉब ले जाते हो तो पहला सेम आपका इंटरव्यू होता है, और वहाँ पर वो क्या चेक करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना इंक्रीज है, मेरे दिए हुए क्वेश्चन को आप किस तरह जो है जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, आप बिना रुके जवाब दे रहे हो कि आप रुक रुक के जवाब दे रहे हो, आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हो कि हाथ पे हिला डुला के जवाब दे रहे हो, तो वही चेक करते हैं। और ये लेवल आपको यहाँ पर पता चलता है। ऐसे हमारा जो यहाँ प्रेजेंटेशन होता है, सेमिनार होता है, गाइडेंस सेमिनार होता है, धीरे धीरे जो है जैसे कि कई बच्चे यहाँ पर, जैसे मैंने अभी जो है ग्रुप में डाला था जॉब वैकेंसी का, टैली का जो है आया हुआ, डेटा ऑपरेटर का जो है आया हुआ है, तो जो बच्चे इसके लायक होते हैं जिनको स्वयं करना होता है तो वो जो है मुझे सिर्फ पर्सनली बोलते हैं सर मुझे करना है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। उसमें आपको डेटा एंट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ऑफिस कोर्स आना चाहिए, और सेकंड आपको जो है कम से कम एडवांस एक्सेल। मैंने कई बार बोला कि यहाँ पर अगर आप जो है कोर्स कर रहे हो या आपका जो है CCA कोर्स है, आपने टैली किया हुआ है, टैली का फ़ीस जो है वो 5000 फीस है, लेकिन अगर आप उसमें एडवांस कर रहे हो तो आपको 5 भी नहीं भरना है, 4 भी नहीं भरना है, आपको सिर्फ 3 ही भरना है। ये हम अपनी तरफ से करते हैं ताकि बच्चों को फ़ायदा मिले। हम बार बार समझाते हैं, बच्चों को लगता है कि सर जानबूझ के समझा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट क्या चल रही है, क्योंकि हम मार्केट को विजिट करते हैं, मार्केट हम उस साथ उसको लेके चलते हैं। और आपको कैसा अभी उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो अगर हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको सर ने आपको समझाया कि आप जो है कोर्स करो, CCA कोर्स किया, ठीक किया, अच्छी बात है, ये भी जॉब जो है ग्रांटेड कोर्स हैं, लेकिन आप पहले निकलो तो सही। आप हम घर से निकलना नहीं चाहते, राइट। सर ने बताया कि वो रोज़ सुबह जो है डब्बा लेकर के घर से निकल जाते, राइट, और शाम को घर पे आते हैं, घर वालों को लगता है कि मेरा बेटा को कुछ ना कुछ काम मिल गया है, लेकिन वो बड़े बड़े ऑफिस में जा कर के वो बोलते हैं सर मुझे जॉब चाहिए, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मुझे जॉब चाहिए, राइट। अगर आपको घर बैठे जॉब थोड़ी मिलेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे जॉब करने का है, अच्छा कोई जॉब बताओ, मैंने बोला घर बैठे नहीं मिलेगा, एक काम करो, एक अच्छा रिज्यूम बनाओ, मैं आपको बोलता हूँ वहाँ पर जाओ, वहाँ पर लाइन से पूरी ऑफिस लगी हुई है, आप जाओ सब में एक एक रिज्यूम जमा करो, रिज्यूम एक एक जमा करो, जाओ, घर बैठे कुछ होने वाला नहीं है, और कंपनी अच्छी है, सैलरी भी आपकी 18-20-25 स्टार्ट होगा, जाओ तो सही। मैंने कल जो है एक बंदे को फ़ोन किया, सेम जो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, उसका जो है यहाँ पर उसने प्रोफेशनल जो है टैली किया था, एडवांस एक्सेल भी किया था, बेसिक कोर्स भी उसने किया हुआ है। मैंने उसको बोला कि जो है आ जा 4 बजे जो इंटरव्यू है, बोला सर ठीक है मैं आता हूँ मैं। फिर मैंने जो है 4:30 दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया, तीसरा फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं, चौथा बार फ़ोन किया, रिसीव नहीं किया, जहाँ वैकेंसी था वहाँ फ़ोन किया कि सर एक बंदा है वो आने वाला है, नहीं कोई नहीं आया। अब मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मैं आपको भेज रहा हूँ लेकिन आप जा ही नहीं रहे हो। सर वो भी सोचता होगा कि सर ने मुझे जो है जबान दी है कि बंदा आ रहा है और बंदा पीछे हो गया, मतलब इनके जो है बच्चे सही नहीं हैं, तो हमारा जो है इम्प्रेशन डाउन होता है, राइट। फिर मैंने उसको बोला सर ठीक है उसके घर में थोड़ा इश्यू हो गया इसलिए वो आज नहीं आ सकता, वो मंडे को वो आएगा। बोला ठीक है मंडे जो है फाइनल, नहीं तो फिर मैं किसी और को रख लूँगा मैं। अब बताओ
और टैली का जो एक्सपीरियंस होता है जल्दी किसी को मिलता नहीं है। टैली का जॉब जो होता है वो आपका 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 स्टार्ट होता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलता है। और अगर आपको फ्री में भी कोई एक्सपीरियंस दे रहा है, फ्री में भी आप वहाँ पर काम करो, फ्री में भी, राइट? क्योंकि आप जब कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे, पहला क्वेश्चन यही रहता है, आपने इसके पहले काम किया है क्या, क्या आपको एक्सपीरियंस है क्या, पहले क्वेश्चन यही होता है। बाद में बोलते हैं नहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं, मैं फ्रेशर हूँ। बोला ठीक है, आप बाहर रुको, बाद में बताएंगे, हम कॉल करेंगे, तो कभी कॉल नहीं आता, राइट? क्योंकि सबको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ वैकेंसी निकलती है वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं, और हमने कभी काम किया नहीं है तो हमें नॉलेज होता नहीं है। और जब हम आपको बताते हैं कि आप जो यहाँ पर इंटर्नशिप करो ताकि आपको सीखने को मिले, 6 महीना आपका पूरा हो गया, आपको हम जो है सर्टिफिकेट भी देंगे, कहाँ पर जॉब वैकेंसी रहेगा हम वो आपको खुद ही लगवा देंगे हम, राइट? या कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे हम, लेकिन आप घर से निकलना ही नहीं चाहते, राइट? मैंने स्वयं जो है 3 साल तक एक इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने काम लगाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज करता था, कॉलेज से सीधा जो है 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक एक इंस्टीट्यूट था जहाँ से मैंने कंप्यूटर सीखा था, वहाँ पर मैं सीखता भी था, सिखाता भी था। सर मैंने बोला सर मुझे यहाँ पर रख लो, बोला नहीं मेरे पास ऑलरेडी स्टाफ हैं, बोला ठीक है स्टाफ हैं, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे काम सीखना है बस। मैंने पूरा फीस भरा, मैंने वो चीज़ सीखा, सीखना कैसे, सिखाना कैसे, बोलना कैसे, बताना कैसे है, राइट? धीरे धीरे बच्चों को भी समझ में आया कि ये भी एक सर है, राइट? कई 3 साल मैंने काम किया, तो 3 साल का मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते मुझे 3 साल का मुझे सर्टिफिकेट मिला एक्सपीरियंस लेटर का। और जैसे ही मैंने उस चीज़ को जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर मेंशन किया कि मैंने यहाँ पर 3 साल तक मैंने जो है एज ए स्टाफ एंड टीचिंग वर्क मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैं टीचिंग करते करते मेरा जो है कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हो गया, टीचिंग करते करते मेरा कम्युनिकेशन ग्रो हो गया, टीचिंग करते करते मेरा नॉलेज ग्रो हो गया, तो मुझे कहीं पर भी कोई भी मेरा इंटरव्यू होता था, मैं बेझिझक मैं वहाँ पर इंटरव्यू देता था, राइट? तो मेरा बस सिलेक्शन वहाँ पर मेरा 100% होता था। खाली मैं रुकता इसलिए था क्योंकि मेरी सैलरी जो थी जितना डिमांड था डिमांड पूरा नहीं कर पाता, इसलिए मैं कई कंपनियों छोड़ करके फिर जा करके मैं मुझे एक 23,000 जो है सैलरी का मुझे ऑफर आया उस समय, आज जो है कम से कम 10-15 साल पहले, समझा? तो ये होता है जो है आपके इंटर्नशिप का बेनिफिट, एक्सपीरियंस का बेनिफिट। तो कभी भी आपको कोई भी मौका मिले उसे करो, राइट? कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम कोई भी चीज़ करो ईमानदारी से करो, और उसको बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करो। सब काम वही करते, आप इसमें नया क्या कर रहे हो, राइट? जैसे सभी जो है टेलर है या कपड़े सीता है, सभी वही डिज़ाइन सी रहा है वही दे, तो लोग उसको रिफ़र क्यों करेंगे? आप नया क्या दे रहे हो? तो आपके अंदर कुछ नई क्वालिटी होनी चाहिए, या नई क्वालिटी आपको डेवलप करनी चाहिए, नए तरीका आपको डेवलप करना चाहिए। जिस तरह नोकिया फ़ोन मार्केट में स्टार्टिंग में आया था, आज भी वही चीज़ होता तो आज नोकिया जिंदा होता, राइट? लेकिन दूसरी कंपनी ने क्या किया, अपडेट लाए कि नहीं लाया? रोज़